हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है बेटा, तो पिछली क्लास में हमने पिनहोल कैमरा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पिनहोल कैमरा कैसे बनाओगे, किस तरह की इमेज देता है बेटा, वो इन्वर्टेड इमेज देता है। और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज ही, तो आपकी इमेज कैसी होगी, छोटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज होगा बिगर, और जो आपकी इमेज बनेगी पिनहोल कैमरा में वो कैसी होगी, आपकी स्मॉलर होगी। ठीक है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है बेटा, अब अपनी डेली लाइफ में हर दिन क्या यूज़ करते हो, सभी मिरर का यूज़ करते हैं अपने आप को देखने के लिए, सी करने के लिए। ठीक है बेटा, जब आप अपने अपने मिरर के सामने खड़े होते हो तो खुद, जब आप उसमें देखते हो तो आप उसमें खुद को पाते हो, यानी खुद की इमेज आप उसमें देखते हो। ठीक है बेटा, तो कब देख पाते हो आप इमेज, जब बेटा लाइट आती है। ठीक है, ये मान लो आपका क्या हो गया मिरर। ठीक है, तो आप कहाँ, यहाँ से जब कोई लाइट का सोर्स है वो क्या देगा आपको, लाइट देगा, तो ही आप क्या कर पाओगे, अपनी जो इमेज है वो किस में देख पाओगे, आप इस मिरर में देख पाओगे। ठीक है, जब लाइट आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट से तो क्या करती है, वो उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और उस जो आपका सरफेस है जिस पे आप क्या देखोगे, अपनी इमेज है वो देखोगे, उसको आप क्या बोलोगे, मिरर। ठीक है, मिरर एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ए प्लेन सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ठीक है, क्या होता है मिरर, ए प्लेन सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ठीक है, तो इसमें आप अपनी इमेज है वो इजीली देख पाते हो, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो मिरर, आपने सभी घर में मिरर है बेटा, तो आपने देखा होगा जो मिरर होता है उसके पीछे क्या होता है, सिल्वर कलर की एक लेयर या एल्यूमिनियम की है वो लेयर बनी रहती है। ठीक है, चमक आपने देखा होगा, जो आपका फ्रंट जो शीशा है उसके पीछे क्या होता है, एल्यूमिनियम आपको व्हाइट ब्राइट एक लेयर दिखाई देती है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिल्वरिंग। ठीक है, उसके बाद जो ये लेयर है ये क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर ये लेयर नहीं होगी तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे आप विंडो ग्लास में देखते हो, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता, यानी कि आपको कोई एक दो ग्लास जिसमें आपको इमेज दिख जाए उसमें रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन आप मेरे को मोस्ट ऑफ ग्लास में आपको अपनी इमेज है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे सिल्वरिंग जो लेयर है वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बेटा, आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या नहीं दिखाई देगी आपको, अपनी इमेज है वो उसमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके मिरर से। ठीक है बेटा, अब आते हैं, इसी में एक टर्म आती है आपकी लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन अभी देखते हैं, लैटरल इन्वर्जन क्या होते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है बेटा, देखते हैं, इन ए प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर एज ए राइट साइड ऑब्जेक्ट एंड राइट साइड अपीयर एज ए लेफ्ट साइड। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, जो आपको लेफ्ट साइड है वो आपको कैसा लगेगा बेटा, राइट। जब भी आप प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको लेफ्ट है वो कैसा दिखाई देगा, राइट, और राइट है वो कैसा दिखाई देगा बेटा आपको, लेफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है बेटा, इन ए प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है बेटा, तो इसी पे एक एग्जांपल आता है, आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, एम्बुलेंस, जब आपने देखा होगा एम्बुलेंस, आपने देखी है सभी ने, तो उसके ऊपर क्या होता है, जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो किसके, मिरर इमेज है उसकी लिखी होती है। ठीक है, कैसे लिखी होती है, उसकी मिरर इमेज लिखी होती है। ठीक है, यानी कि जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है। तो ऑलरेडी जब आपके पास क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, जब आपके सामने जो भी व्हीकल, जो एम्बुलेंस के सामने जो व्हीकल चल रहा है, मान लो ये एम्बुलेंस के सामने जो व्हीकल चल रहा है, इसके मिरर में जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ कैसा दिखाई देगा बेटा, राइट दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, और हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से रास्ता दे देंगे। ठीक है, एम्बुलेंस को हमेशा क्या लिखा होता है, उसकी मिरर इमेज होती है। जैसे बना देंगे इसकी मिरर इमेज, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है बेटा, तो
इस तरह से आपको उल्टा दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा जो आपके व्हीकल होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर है वो लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर में आपको फिर किस तरह दिखाई देगा, आपको लैटरल इन्वर्जन है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट अपना था डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर एंड दी शैडो। तो आप शैडो के बारे में तो बेटा ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको शैडो के बारे में सारा बताया था किस तरह की इमेज देते हैं। तो अभी हम देखते हैं डिफरेंस, ठीक है, एक साइड हम लिख लेते हैं शैडो और एक साइड क्या लिख लेते हैं हम प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। तो जब आप शैडो देखते हो तो अगर साइज ऑब्जेक्ट का चेंज होता है तो आपकी शैडो भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके साथ साथ आपकी शैडो का साइज भी चेंज होता रहता है। जबकि प्लेन मिरर की अगर बात करें तो आप सभी आपने देखा है, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या आप अपना हैंड है जब आप अपने मिरर के सामने कर देते हो वो छोटा हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, दोनों का साइज क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि इसमें साइज में शेप में कोई चेंज नहीं होता, जबकि शैडो में साइज शेप में क्या होता है आपका चेंज है वो दिखाई देता है। ठीक है बेटा, जो लेंथ होती है शैडो की वो चेंज हो जाती है, ठीक है, साइज चेंज हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लेन मिरर में आप जैसे हो जो हो वो ही आपको दिखाई देता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्या देखते हो, दूसरा आते हैं कलर पे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, कलर पे। ठीक है, देखा होगा आपने शैडो हमेशा कैसी बताई मैंने आपको, कैसी रहेगी, हमेशा ब्लैक कलर की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो लेकिन शैडो परछाई हमेशा कैसी बनेगी, ब्लैक कलर की ही बनेगी। जबकि प्लेन मिरर में क्या हो जाएगी, जो शैडो है कैसी बनेगी बेटा, आप जैसे हो आपने जो पहना है जैसे हो आप वैसी आपको इमेज भी दिखाई देगी, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कलर भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा इमेज में आते हैं, आपकी इमेज कैसा शो करती है, इसमें आपने अभी भी पढ़ा प्लेन मिरर में क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्जन, यानी कि लैटरल इन्वर्टेड इमेज है प्लेन मिरर में आपको दिखाई देगी, यानी कि लेफ्ट आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, राइट, और राइट आपको कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट। ठीक है, जबकि शैडो में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे आप हो सीधे हो तो सीधे और उल्टे हो तो उल्टे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी इमेज है वो लैटरल इन्वर्टेड दिखाई देती है, यानी कि लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, जबकि आपका जो शैडो था उसमें ऐसा कोई भी लैटरल इन्वर्जन है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा, उसके बाद जो शैडो है परछाई है वो किस पे बनती है, क्या होना जरूरी था बेटा, स्क्रीन, जैसे अब मैं हूँ तो स्क्रीन पे मेरी शैडो बन रही है, तो किस पे बनती है बेटा, जो शैडो है आप उसको किस पे देख पाते हो, स्क्रीन पे देख पाते हो, जबकि प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है, वो स्क्रीन पे नहीं बनती। ठीक है, आप सिर्फ उसको मिरर में ही देख सकते हो, किसी भी स्क्रीन पे आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, इमेज अगर आप मिरर इमेज की जब हम बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा, इमेज जो है वो कैसी नहीं बनेगी, स्क्रीन पे नहीं बनेगी, सिर्फ आप उसको किस में देख पाओगे, मिरर में ही देख पाओगे। ठीक है बेटा, तीन कुछ डिफरेंस थे किस किस के बीच में, शैडो एंड प्लेन मिरर के बीच में डिफरेंस थे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बेटा, ये जो मैंने आज समझाया सभी बच्चे रीड कर लेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।